स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं ग्रेनाइट टेबल टॉप डिज़ाइन के बारे में, और इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा इस डिज़ाइन के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं रौनक स्टार मार्बल YouTube चैनल। तो चलिए रौनक स्टार बढ़ाएं अपनी घर की रौनक। तो फ्रेंड ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1.5 इंची का पट्टी कटिंग करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 1.5 इंची का पट्टी पहले कटिंग किया और उसके बाद मोल्डिंग कर रहे हैं। तो मोल्डिंग किस तरह से होगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेन इसका मोल्डिंग का ही, इस डिज़ाइन में मेन प्रोसेस मोल्डिंग का है। क्योंकि मोल्डिंग आपको जो डिज़ाइन के हिसाब से बनेगा वही हिसाब से आपको बनाना है, और मेन इसका मोल्डिंग का ही काम है। तो ये देखिए मोल्डिंग जो है किस तरह से हमने बनाया है। ये देखिए एक ऊपर का हिस्सा हाफ मोल्डिंग हुआ है और एक नीचे का हिस्सा हाफ मोल्डिंग हुआ है। और इसको मोल्डिंग बनाने के बाद एक जो 45 नंबर का जो पैड आता है ब्लैक वाला, उससे जो है इसका जो ब्लेड का जो डायमंड का दाग है वो उठा लेना है पॉलिश करके, मतलब कि देखिए इस तरह से, ताकि जो एरोलाइट को जब हम पेस्टिंग करेंगे तो जो पॉलिश होगा डिज़ाइन इसका पूरा फिनिशिंग आएगा, और नहीं तो डायमंड का दाग रहने से, ब्लेड का दाग रहने से फिनिशिंग उतना नहीं आएगा। वो जिस तरह से HD और लो क्वालिटी का फ़ोटो होता है फटाफटा हो जाता है, उसी तरह से हो जाएगा। ये देखिए यही चीज़ है मेन इस डिज़ाइन का। और इस तरह से सभी को पहले मोल्डिंग को कम्प्लीट करेंगे। कम्प्लीट करने के बाद जो है ये देखिए इस तरह से राइट एंगल में आपको फर्मा बनाना है। राइट एंगल में फर्मा बनाने के बाद इस तरह से आपको 1.5 इंची कटिंग करने के लिए जो पहले हमने पीछे पट्टी लगाया था वही पट्टी लगा के 1.5 इंची बाय 1.5 इंची स्क्वायर हम इसको कटिंग कर लेंगे। पीस पीस करेंगे इसको, ये देखिए इस तरह से पहले पीस कर लेंगे, और पीस करने के बाद पेस्टिंग होगा। तो पहले पीस कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने पीस पीस बना लिया। और ब्लैक को भी 1.25 इंची पे हमने कटिंग किया है। देखिए ब्लैक पट्टी है एक, देखिए इस तरह से दो पट्टी करके हम कटिंग कर लेंगे। और इसको जब पेस्टिंग करेंगे तो एक वाइट और एक ब्लैक देंगे। देखिए इस तरह से ब्लैक भी वाइट के साइज के हिसाब से कटेगा 1.5 इंची। आप चाहे तो 1.25 इंची भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से पूरा पीस पीस करने के बाद सभी को धो के सुखाना है, उसके बाद ही पेस्टिंग करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जिस साइड में डिज़ाइन होगा उस डिज़ाइन के हिसाब से इसको हम सजाएंगे। ये देखिए आप देखते जाइए किस तरह, और जो भी सजाना है सबको एक जैसा रखना है। ये देखिए एक ब्लैक और एक वाइट देना है, और इस तरह से पेस्टिंग करके एक दिन छोड़ देना है सूखने के लिए, यानी सेट होने के लिए। जब एरोलाइट एक दिन में सेट हो जाए तब दूसरा पट्टी जो इसके ऊपर से पेस्टिंग करेंगे वो होगा। ये देखिए पेस्टिंग करने के बाद अच्छे से पीछे से एरोलाइट वाइट सीमेंट से हम भर देंगे। देखिए और हाफ ऊपर से भी भर देंगे वाइट सीमेंट को। है देखिए, और इससे एक बेनिफिट और भी होगा, गोटी जो है इधर उधर नहीं होगा। है देखिए इस तरह से अच्छे से आपको वाइट सीमेंट से पीछे का हिस्सा जाम कर देना है, ताकि जब ऊपर से एरोलाइट भरे तो एरोलाइट निकले ना। है देखिए 1 डे के बाद जो है इसको हम एक 60 नंबर से जो है हम इसको घस दे रहे हैं, ताकि ऊपर का जो सीमेंट है वो क्लीन हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसको क्लीन कर देंगे ऊपर का हिस्सा, और उसके बाद इसमें एक और पेस्टिंग करेंगे 1.5 इंची का बीट। ये देखिए इसको कंप्लीट करने के बाद इसको हम 1.5 इंची का पेस्टिंग करेंगे, और 1.5 इंची को पेस्टिंग करने के बाद फिर हम इसको वाइट सीमेंट से पीछे का हिस्सा ब्लॉक करेंगे। ये देखिए एरोलाइट देके ये भी 1.5 इंची का पट्टी हमने दिया है, और इसको जो है ये देखिए इस तरह से पहले अच्छे से इसको एरोलाइट देंगे,
और एरोलाइट में जो है कलर हमने मिला दिया है, रंग सूखा पाउडर रंग का, ये देखिए इस तरह से। और ये पत्थर जो है ग्रेनाइट, ये रूबी रेड है और ब्लैक और वाइट पे ये डिज़ाइन बन रहा है, ये देखिए इस तरह से। आपको जब ये पेस्टिंग करेंगे तो फेविक्विक मार दीजिएगा, लगा दीजिएगा अच्छे से, ताकि बीट जो है इधर उधर ना हो, पट्टी जो ऊपर से हमने पेस्टिंग किया है ये देखिए। और उसके बाद एक दिन सूखने के बाद या उसी दिन फेविक्विक मारने से इस तरह से इसको अच्छे से फिर से ऊपर से एरोलाइट दे के आपको जो है इसको पूरा जगह को ब्लॉक करना है, ये देखिए पूरे को एक एक दिन गैप करके, एक दिन इस साइड भरे एक दिन उस साइड भरे, इस तरह से आपको पूरा इसको ब्लॉक करना है। और जब इसको भरेंगे तो इसका जो गैपिंग है जो मोल्डिंग का वो ज़्यादा है, तो एरोलाइट जब अंदर जाएगा तो इसमें बबल्स आएगा, तो बबल्स को आपको निकालना है, ये देखिए जैसे कि ये बबल्स आ रहा है तो हम इसे निकाल रहे हैं, ये देखिए एयर ले ले रहा है अंदर में, तो उसके लिए थोड़ा इसको एरोलाइट भरने के लिए इसमें थोड़ा आपको टाइम देना होगा, अराउंड आधा घंटा। आधा घंटा मतलब क्या, आप कोई काम कर रहे थे, एक एक बार आके आपको सिर्फ चेक करना है, पूरा चेक करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन जो है इसका दूसरे साइड का हिस्सा में जो है एरोलाइट हम पेस्टिंग करेंगे, इसको अच्छे से भरेंगे। और ये देखिए उसके बाद जो है फिर इसको हम पहले एरोलाइट को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम मोल्डिंग करेंगे। तो मोल्डिंग जो है ये टेबल टॉप पे बन रहा है, तो टेबल टॉप पे जो है हम हाफ मोल्डिंग करेंगे, और हाफ मोल्डिंग करने के बाद जो है पॉलिश होगा। तो ये डिज़ाइन जो है आप किचन काउंटर पे भी बना सकते हैं, पिलर में भी बना सकते हैं, और टेबल टॉप में भी बना सकते हैं। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पर ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं, और बहुत ही उम्दा डिज़ाइन है। और उम्मीद करता हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने फेसबुक पेज पे लाता रहता हूँ। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से कुछ इसका लुक आया है, ये देखिए इस तरह से। और इसका पॉलिश भी हम करेंगे, और पॉलिश होने के बाद इसका जो है बहुत ही बेहतरीन लुक आएगा। और ये देखिए इस तरह से ये रेड और ब्लैक और वाइट में हमने डिज़ाइन बनाया है। तो ऊपर का एक जो टॉप है वो रेड है, और नीचे का जो पट्टी हमने दिया वो रेड है, और डिज़ाइन जो पूरा बना है वो ब्लैक और वाइट के ऊपर बना है। और ये देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन आया है। और पूरा ये कंप्लीट होने के बाद इसका जो है वीडियो मैं एक लेके आऊँगा, इसमें कैसा इसका लुक आता है। और ये देखिए इस तरह से इसका जो है इसका लुक आया है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। और ये आप बना सकते हैं, प्रोसेस हमने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।